अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज सैटरडे का दिन है, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता बना रही हूँ। तो अब्दुल हादी है, यूजुअल सुबह उठ गया जल्दी, तो उसको लगी थी भूख तो मुझे कह रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, जल्दी उठ के मुझे नाश्ता दे बनाकर। तो फिर जो है ना, उसने अपने बाबा से कहा हुआ था क्रोसन लाने के लिए, ये क्रोसन बड़े खुश होकर जो है ना वो खाता है। तो फिर मैंने दूध कप में दे दिया, साथ उसको वही दे दिया। और उसके बाद अब मैं अपने और रिजवान के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो उन्होंने कहा था मुझे उबले हुए अंडे जो है ना ब्राउन ब्रेड के साथ दे देना। तो अपने लिए पहले मैंने सोचा कि अंडे बॉयल कर लेती हूँ, फिर मेरा दिल किया कि आज मैं ऑमलेट बनाती हूँ। तो काफ़ी दिन बाद आज मैं ऑमलेट अमले नहीं बनाऊँगी, साथ ब्राउन ब्रेड होगी। तो ऑमलेट की सारी चीज़ें फिर मैंने फटाफट निकाली, चीज़ और जितनी भी वेजिटेबल अवेलेबल थी। तो अब जल्दी से मज़ेदार सा ऑमलेट बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो ऑलिव्स मेरे जो है ना ख़त्म हो गए थे, मैंने निकाले तो वो बिल्कुल फिनिश हो चुके थे। तो बाकी वेजिटेबल जो प्याज हरी मिर्चें और जो जो अवेलेबल था मेरे पास, टमाटर शटर, वो फिर मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ डाला। और चीज़ जो है वो आधा स्लाइस मैं वो भी इसके अंदर कट करके डाल दूँगी। तो ये दो अंडों का टोटल ऑमलेट बना रही हूँ। तो आज मैंने ऑमलेट जो है ना काफ़ी दिन बाद खाया था, तो फिर मुझे बड़ा मज़े का लगा था। तो आपने भी कभी कभी नोटिस किया होगा, जो चीज़ हम कुछ दिन बाद इस्तेमाल करते हैं या कुछ दिनों बाद जो है ना खाते हैं, तो वो हमें ज़्यादा मज़ा देती है। तो जब हम उसको रूटीन में डेली खा रहे होते हैं, तो फिर उतना मज़ा नहीं आ रहा होता, हम उससे जो है ना लुत्फानंदोज़ नहीं होते। तो ये बड़े जो है ना मतालिया की चीज़ है। तो इसका जो है ना अनदर वर्ड्स ये भी मतलब निकलता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है, जो इजी अवेलेबल होती है, जो चीज़ हमारी रसाई में होती है, तो वो जो है ना अपनी अहमियत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है, खो देती है। तो जो चीज़ दूर होती है या देर बाद मिलती है, वो ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है और वो हमें जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये जो है ना आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर जो है ना नोटिस किया होगा। तो मैं अक्सर रिजवान से भी कहती हूँ कि जो चीज़ें होती है ना रिजवान बीवी जैसे हम जो है वो जब मिल जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी अहमियत जो है ना वो मियाँ की नज़र में थोड़ी बहुत कम हो जाती है। मैं उनको वैसे छेड़ती हूँ, लेकिन मेरे मियाँ मेरी जो है ना वो बड़ी कदर करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अक्सर उनको छेड़ती रहती हूँ जो है ना वो। तो थोड़ा बहुत जो है ना मियाँ को करते रहना चाहिए इस तरह से, तो प्यार बढ़ता है इन हर छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो जो है ना क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा जो है ना वो नोक चोक चलती रहती है आपस में। जी गाइस, तो नाश्ता हो गया है, बर्तन शर्तन पड़े, मैं अभी मैं लेज़ी होके जो है बैठ गई हूँ। थोड़ी देर बाद उठते नाश्ता करके ना थोड़ी सी सुस्ती पड़ जाती है। तो रिजवान साहब तो ऑफिस चले गए हैं, उनका टाइम हो गया था, और जो है ना अभी नींद जो है ना थोड़ी सी आ रही है, सुस्ती सी है। अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर कमर बांध देते हैं और हो जाते हैं शुरू। जी तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, तकरीबन कोई जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा है, और अब्दुल हादी के लिए ना मैं बनाने लगी हूँ ग्रिल्ड सैंडविच। तो उसको बनाऊँगी किस तरह से, मैंने ना पहले से चिकन बॉयल करके श्रेड करके रखा हुआ था, तो मैंने उसको डीप रोस्ट जस्ट किया है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको हल्का सी मैंने उसकी भुनाई की है, और साथ ही मैंने नमक और काली मिर्च सिर्फ इसके अंदर डाली है। सॉसेस में इसके अंदर मैं जो है ना चिली सॉस थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा सा जो है ना वो सोया सॉस ऐड करूँगी, और इसके अलावा और कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली। तो ब्रेड पे चूँकि मैंने इसको स्प्रेड करना था, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा मायनीज मैंने डाल दिया था, ताकि जो है ना सही तरह से ऊपर असेंबल हो जाए। अब ब्रेड को जो है ना मैं ऑलिव ऑयल लगा कर इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रिल कर लूँगी, और ऊपर ये चिकन लगाकर तो मज़ेदार सा सैंडविच तैयार कर दूँगी। तो ये बड़ा क्विक सा बन जाता है, मज़ेदार बनता है, बच्चे खुश हो के खा लेते हैं। जो चिकन लवर बच्चियाँ हैं जो वेजिटेबल नहीं खाते, आप उनको जो है वो दे सकते हैं, तो वो खुशी खुशी से जो है ना वो खा जाएंगे। तो मेरा बच्चा भी खा गया था। तो अगर कोई और चीज़ मैं इसमें चिकन में डाल दूँ ना, जैसे कुछ शिमला मिर्च या गाजर या बंद गोभी शोभी, तो फिर जो है ना वो बड़े नखरे करता है, फिर नहीं खाता है। तो इस तरह से खा ली दूँ ना, फिर भी वो कुछ खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसकी पसंद की चीज़ दे दूँ, ताकि कम से कम वो खा ले, प्रोटीन्स वगैरह उसको साथ साथ मिलती रहे। तो ये मैंने ना दराज से जो है ना ऑनलाइन मंगवाया था, ये जो ग्रिल पैन है ना बड़ा मज़े का है। तो दो पीस इकट्ठे थोड़े मुश्किल से इसके अंदर फिट होते हैं, लेकिन आ ही जाते हैं। तो ये मज़ेदार सा सैंडविच हमारा तैयार है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी, कोई इसमें साइंस नहीं है ऐसी मुश्किल जो नया बनाया जा सके। ये लो बाबू, ये लवली।
दिस इज फॉर यू हैप्पी फेस ताकि आप हैप्पी हैप्पी खा लें। अच्छा मामा आपने वो एक्चुअली खुद ऐसे हैप्पी फेस बनाया? यस लग रहा है ऐसे गलती से बन गया। गलती से नहीं बना। चलो खा के बताओ मामा को कैसा लगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं दोनों आतिश पकड़ के। शाबाश गुड। जी तो ये जो लेमन तैयार हो गए थे थोड़े से मैं तोड़ के ले आई थी फायर से, तो ये देखें माशाल्लाह से इतना रस भरे हैं, तो इनको फ्रिज में रख लेते हैं ताकि यूज़ करने हमारे काम आ जाए। अच्छा फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा कल की नियाज की चीज़ें भी इकट्ठी हुई हैं, तो अभी इसको थोड़ी देर बाद खाली करेंगे। मैंने बस शावर ले लिया, अब मैं बस जोहर का वक्त हो गया, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है ना किचन में देखती हूँ खाने में जो है ना सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं खाना ना बनाऊँ। तो वैसे तो मैंने चिकन मंगवाया था, चिकन अभी तक पहुँचा नहीं आया, तो मैं टाइमली बना लेती। चले पहले जोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं, कि आज रिजवान को हाफ डे हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, तो नमाज़ पढ़ के बात करते हैं। जी तो ये जैन माँ जो है ना मेरी सिस्टर छोटी लेकर आई थी मेरे लिए जो है ना जब उमरा करने के लिए गई थी, तो उसने मुझे जो है ना गिफ्ट की थी, तो बड़ी प्यारी सॉफ्ट सी है, कोजी सी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जी तो मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है, बस तकरीबन कोई जो है ना 2 बजे का टाइम हो गया, तो अभी खाने में जो है ना कल की जो दाल हलीम थी वो भी पड़ी हुई है और उसको गर्म कर लेते हैं, और मसर चावल जो है ना उससे एक दिन पहले बनाई थी वो भी कुछ बचा हुआ सालन हो पड़ा है। उससे पहले जो है ना मेरी सासू माँ ने जो है ना पायों का सालन बना के भेजा था, तो वो आधा हमने खा लिया था, आधा मैंने फ्रीज़ कर दिया था, मैं सोचा उसको भी डीप रोस्ट कर लें, तो अभी दोपहर में ये सारी चीज़ें चला लेते हैं, तो शाम को फिर देखेंगे मेरा आज मूड है थोड़ा बाहर से खाना खाने का, रिजवान ने कहा भी ताकि शायद ग्रोसरी शाम को हम करने जाएँ तो फिर बाहर से खाना भी खा लेंगे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ही खाना बनाऊँ ताकि ज़ाया ना जाए जो पहले से मौजूद है घर पे, फ्रिज भरी हुई है चीज़ों की, क्योंकि नियाज की भी काफ़ी चीज़ें मीठे में आई हुई हैं तो वो भी पड़ी हैं, तो पहले उन चीज़ों को ख़त्म कर लें तो ताज़ा खाना बन जाएगा ना, फिर सब वही खा लेंगे, तो जो पहले का खाना है वो फिर ज़ाया जाता है, फिर खाया नहीं जाता, पड़ा रहता है। जी गाइस तो मैं दोबारा किचन में आ गई, रिजवान से मेरी बात होगी थोड़ी देर में, वो भी घर बस आने वाले थे, तो मैंने कुछ सोचा कि सारी चीज़ें जो है फ्रिज में पड़ी, एक तो उनको गर्म कर लूँ सालन वगैरह, दूसरा ना थोड़ी सी फ्रूट चाट साथ काट लेती हूँ, इस बहाने फ्रूट्स भी खाए जाएंगे, तो बस फिर फ्रूट्स मैंने थोड़े थोड़े निकाल लिए हैं, इनको जल्दी से कट करते हैं, और इमली सॉस मेरे पास पड़ी हुई है तो झटपट सी फ्रूट चाट हम तैयार कर लेते हैं। फ्रूट चाट एक ऐसी चीज़ है जो फटाफट तैयार हो जाती, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती, तो बस फ्रूट्स हों आपके पास पड़े सारे, तो फिर आप जो है ना इमली सॉस हो मेजर जो चीज़ें हैं, तो फिर बनाने पे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। तो अब मैं बाकी के सालन वगैरह निकाल के जल्दी से गर्म कर लेती हूँ, ये मसर का सालन भी पड़ा हुआ था तो साथ बॉयल्ड राइस भी हैं, इसको ओवन में अच्छे से गर्म करते हैं, और इसके अलावा नान पड़े हुए हैं उनको जो है ना गीलगा के जो है ना मज़ेदार सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा नानों को जो है ना पहले मैंने अच्छी तरह से पानी लगा लिया था, फिर तवा गरम करके उसके ऊपर रख के, तो साथ ही मैंने घी लगा लिया, और इसको अच्छी तरह से ना मैं गोल्डन सा कर लूँगी, जितने ज़्यादा ये गोल्डन हो क्रिस्पी से हो जाए उतने ही ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं,
तो जो है ना दाल के साथ खाने का बहुत ज़्यादा इनको मज़ा आ जाया था। कल दूसरे नान से तरह मेरे ख्याल में मज़ा नहीं आया होगा जितना इस वाले नान से जो है ना मज़ा आया था। तो हादी ने भी खुश होकर खा लिया था, इस तरह से नान उसको भी पसंद है। तो हालांकि ज़्यादा नहीं थे, दो ही थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। इतनी सारी चीज़ें घर पे निकल आई हैं और जो टेबल भर गई है, तो काफ़ी सामान इकट्ठा हुआ था, सारा खाया गया और जो ना बहुत मज़ा आया। दाल चावल भी, हलीम भी, मसर भी थे। अब जो है मीठे में जरदा मतंजन है, ये कल बाजी जो है ना बड़ी बाजी मेरी उनकी तरफ मैं गई थी, उन्होंने बनाई थी, देख दी थी मतंजन की, तो मेरा ये सारा खा था। फिर मैंने कहा मैं आऊँगी तो मैं ले लूँगी, तो वो लेकर आई थी। तो वो माशाल्लाह से चावल हैं, थोड़े से मैंने गर्म कर लिए अवन में। हादी ने खाई और लेना बेटा। तो ये जो है ना गुलाब जामुन किसी ने घर पे बनाए थे, नियाज में आए थे कल, ये भी अभी मैंने इसको भी ओवन में गर्म किया, तो बहुत मज़े के हो गए जी। तो अब हम बर्तन धो धो के थक गए थे, मियाँ हमारे लिए चाय बना रहे हैं। रिजवान चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। चले आप चाय बनाए, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, फिर हमने दुकान पर जाना है। यहाँ पे मेरा बेटा क्या खा रहा है, पापा का फोन आया हुआ है, हाथी चढ़ा हुआ है और धड़ाधड़ जी गेमें खेली जा रही हैं जनाब। और क्या आप अपना मौजे कर लो भाई, एक ही छुट्टी रहेगी कल की, फिर पूरा हफ्ता स्कूल जाना आपने। नौ छुट्टी लेकर जा रही हूँ। किस खुशी में? नहीं बस लेकर जा रही हूँ। लो जी ये नवा चक्कर जा रही तुम्हें एम्पोरियम छोड़िए। चलें जी गाइज, आपसे मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।